कोरबा महोत्सव के अंतिम दिन बालको प्रबंधन के सौजन्य से अखिल भारतीय हास्य कवि सम्मेलन आयोजित हुआ। कार्यक्रम में देश के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त रचनाकारों ने अपनी हास्य व्यंग और श्रृंगारिक रचनाओं से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, वाणिज्य कर, राजस्व कर एवं आपदा प्रबंधन और पुनर्वास विभाग के मंत्री श्री अमर अग्रवाल सहित अनेक जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों एवं कोरबा वासियों ने देर रात तक काव्य रचनाओं का लुत्फ उठाया। ये नजारा है कोरबा महोत्सव में बालकों के सौजन्य से आयोजित अखिल भारतीय हास्य कवि सम्मेलन का। सम्मेलन में देश के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रचनाकारों ने शिरकत की, जिन्हें सुनने के लिए कोरबा के नागरिकों का हुजूम उमड़ पड़ा। श्री अमर अग्रवाल ने कवि कवित्रियों को शाल व श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया। उसके फल से और स्मृति चिन्ह दे रहे हैं मंत्री सभी के साथ साथ आप सबको तालियां बजवाइए। जरा आनंद जो है आजकल की महसूस करें। शालिनी सरगम जी, शालिनी सरगम जी का स्वागत कर रहे हैं। उनकी श्री सभी दस्ताना जोरदार तालियां बजाकर उनका भी स्वागत कीजिए। मंत्री जी पालको के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पूर्णकालिक निदेशक श्री कुंजन गुप्ता ने पालको प्रबंधन की ओर से स्मृति चिन्ह भेंट किए। कोई बात नहीं, आपकी साथ देश की वजह से श्रीमती सुमन दुबे, श्री सर्वेश अस्थाना, और सरदार रंजीत सिंह को भी मैं आवाज देता हूँ, वो भी ले ले। डॉक्टर सुरेंद्र दुबे, संजय झाला, सरदार मंजीत सिंह, आस्करण अटल और सर्वेश अस्थाना ने हास्य व्यंग के माध्यम से अनेक सामाजिक विद्रूपताओं पर प्रहार किए और श्रोताओं को लोटपोट कर दिया। बात कहना चाहता हूं मंजीत के, फोटो खींच रही है, ये फोटो खींचेगी, माननीय अशोक अग्रवाल जी कल पेपर में छपवाएंगे, परसों आप जलेबी लपेट कर ले जाएंगे, जलेबी आप खाएंगे, अखबार फेंक देंगे, अखबार को कुत्ता चाटेगा, आप बोलेंगे सुरेंद्र दुबे को कुत्ता चाट। मैं आपकी पॉलिटिक्स जानता हूँ। माननीय मंत्री जी के सामने दर्ज करता हूँ कि अगर हिंदुस्तान के 100 करोड़ लोग खाली हाथ पैदल बिना हथियार के पाकिस्तान में घुस जाए तो 16 करोड़ तो साले कुचल के ही मर जाएंगे। अगर हिंदुस्तान के 100 करोड़ लोग खाली हाथ पैदल बिना हथियार के पाकिस्तान में घुस जाए तो 16 करोड़ तो साले कुचल के ही मर जाएं। हम तुझे कश्मीर का एक टुकड़ा भी नहीं देंगे और कोरबा की मिट्टी की कसम अब के जंग ही तो इस्लामाबाद की ले देंगे। वो मैंने एक बार हमारे माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी से पूछा, बात बहुत बारीक है लेकिन आप लोग आनंद लेंगे। मैंने हमारे माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी से पूछा, मैंने कहा सर दो कितने होते हैं? बोले होते तो 4 हैं पर एक बार सोनिया जी से कंफर्म करो। मैंने कहा सर दो तो 5 होते हैं। बोले नहीं नहीं 4 होते हैं। मैंने कहा सर 5 होते हैं। बोले नहीं नहीं 4 होते हैं। मैंने कहा सर 5 होते हैं। बोले तुमसे कौन कह रहा था? मैंने कहा सोनिया जी। बोले फिर तो होते हो। ये इस देश में प्राइम मिनिस्टर की स्थिति है। कोई पत्रकार आया भाई सर्वेश, उसने माननीय मनमोहन सिंह जी से पूछा, बात बहुत बारीक है, बारीक बात पर बारीक आशीर्वाद। बोला सर आप ये बताएं आप किस चीज के डॉक्टर हैं? तो माननीय मनमोहन सिंह जी बोले, भाई डॉक्टर तो मैं अर्थशास्त्र का हूं लेकिन जब से गठबंधन सरकार चला रहा हूं अपने आप को जानवरों का डॉक्टर समझ। अब ऐसा नहीं है कि इनकी भी जानकारी दे दूं। और यहां नीचे से आवाज आ रही थी 12 की बात, उसका भी जवाब ले लो भैया। 12 बड़ा पवित्र अंक है, 1 और 2 जोड़ दीजिए 3 बनते हैं। हमारी जो त्रिमूर्ति है ब्रह्मा विष्णु और शिव की, वो वहीं से बनती है।
और घड़ी देख लीजिए, मैं तो साथ लेके चलता हूँ, ऐसा कोई पंगा ले ले तो उसको बता सकूं। इसमें तीन सुइयां भैया, तीन सुइयां हैं। सबसे तेज सुई जो भागने वाली है वो सेकंडों की है और हमारे बहुसंख्यक हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करती है। दूसरी सुई है वो मिनटों वाली है, मुस्लिम भाइयों की है, वो मुस्लिम भाइयों का प्रतिनिधित्व करती है। और तीसरी सुई जिसका पता नहीं चलता कि चल रही है कि नहीं चल रही है, घंटे वाली सुई सरदारों के हिस्से में वो आई। अब ये तीनों की तीनों सुइयां कहां मिलती हैं? तीनों की तीनों सुइयां मिलती हैं 12 बजे पर। 12 बजे का मतलब ये है कि राष्ट्रीय एकता अगर आप चाहते हो, भाईचारा चाहते हो, सांप्रदायिक सौहार्द चाहते हैं, तो इस देश में 12 बजाने ही पड़ेंगे मेरे मित्रों। होमवर्क करते करते आदमी शादी क्यों करता है? बाप ने संभाल के वजन को तोला और फिर टालने के लिए बोला आदमी शर्ट में बटन नहीं टांग सकता ना, इसलिए शादी करता है। बच्चन फौरन दूसरा सवाल किया, फिर दर्जी क्यों शादी करता है? बच्चन फौरन दूसरा सवाल किया, फिर दर्जी क्यों शादी करता है? आपके सारे बहाने बेकार हैं, मेरा होमवर्क करके दीजिए, इस होमवर्क के लिए आप जिम्मेदार हैं। इस होमवर्क के लिए आप जिम्मेदार हैं। आपने शादी की तो मैं आया तो स्कूल गया तो ये होमवर्क मिला। अब ये होमवर्क मैं क्यों करूं? शर्ट में बटन टांगने आपको नहीं आते थे, उसकी सजा मैं क्यों भुगतूं? हमने पुलिस अफसर से पूछा, महोदय बता सकते हैं? हमने पुलिस अफसर से पूछा, महोदय बता सकते हैं ये आतंकवादी किसे कहते हैं? महोदय बता सकते हैं ये आतंकवादी किसे कहते हैं? वो बोले हत्या कर दो। व्यंग पकड़ना आप लोग, अगर पकड़ लेना तो ताली बजाना वरना मत बजाना। वो बोले हत्या कर दो, पकड़े गए तो अपराधी वरना आतंकवादी। शालिनी सरगम और डॉक्टर सुमन दुबे ने अपनी श्रृंगारिक रचनाओं से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। रोज किसी का इंतजार करते हैं, रोज किसी का इंतजार करते हैं, रोज ये दिल बेकरार करते हैं। काश कि कोई समझ पाता इस बात को कि चुप रहने वाले भी किसी से प्यार करते हैं। हम दिल ही नहीं रखते, जज्बात भी रखते हैं। हम दिल ही नहीं रखते, जज्बात भी रखते हैं। ज़ुल्फों में मोहब्बत की बरसात भी रखते हैं। ज़ुल्फों में मोहब्बत की बरसात भी रखते हैं। जो फूल समझते हैं, जो फूल समझते हैं, उनको ये खबर कर दो। जो फूल समझते हैं, उनको ये खबर कर दो। कांटों से निभाने की औकात भी रखते हैं। शहीदों की कुर्बानियों पर आधारित कविताओं के साथ ही संतोष आनंद ने क्रांति फिल्म के मशहूर गीत जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी का सस्वर पाठ कर समा बांध दिया। नजारे नजर से ये कहने लगे, नयन से बड़ी चीज कोई नहीं। कि नयन से बड़ी चीज कोई नहीं। तभी मेरे दिल ने ये आवाज दी, वतन से बड़ी चीज को। यार जम के बजाओ सारे। जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। अब क्या चाहिए, ओ लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो।
आपको तो मुझसे ज्यादा याद है। ओ लम्बी लम्बी उमरिया को छोड़ो, प्यार की एक घड़ी है बड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो। संतोष आनंद की रचनाओं को सुनकर दर्शक दीर्घा में बैठे श्री अमर अग्रवाल सहित अनेक जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, बालको के अधिकारियों, कर्मचारियों और कोरबा नगरवासियों ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया।